नमस्ते दोस्तों, साउंड एंड टेक की और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका भाई आप लोगों के लिए लाया है एक ऐसा चीज जो आप बनाना तो चाहते हो, पर ये मार्केट से जब आपको कोई भी मैकेनिक के पास से उठाना हो, वो क्या करते हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता ना चले वो कौन सा कॉम्पोनेंट यूज कर रहे हैं। अगर आपको एक साथ एक ही लाइन में 50 हॉर्न का काम करना है तो ऐसा तो कोई एम्प नहीं ना, एक ही एम्प से 50 हॉर्न जाए तो फिर ऐसा एक कन्वर्टर का जरूरत होता है जिससे कि आप अपना एम्पलीफायर एक्सटेंशन कर सको। इस एक्सटेंशन के लिए तो आहूजा ने एक ऐसा एम्पलीफायर मार्केट में लाके रखा है जिसके अंदर इनबिल्ट ये ऑप्शन आपको दिया जाता है, पर हर किसी के पास तो वो एम्पलीफायर अवेलेबल नहीं है ना। और ज्यादातर हमने देखे हैं हमारे गांव में स्ट्रेंजर का यूज बहुत होता है, स्ट्रेंजर के अंदर वो वाला टेक्नोलॉजी अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। तो फिर भाई हम क्या करते हैं, बहुत बहुत ऐसे खर्च करके मैकेनिक के पास से जाके बना लाते हैं। 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए तक लग जाता है। पर अगर ऐसा हुआ 150 या 200 रुपए के अंदर आप अपने खुद हाथों से घर पे ये कंपोनेंट बना सको और जितना भी सारा चीज है मैं आपको बता भी दे रहा हूं, तो क्या है, देख लो ये वीडियो, थोड़ा सा भी स्किप मत करो, बहुत कुछ जान जाओगे और ये भाई आपका काम में बहुत आने वाला है। हाँ जी भाई, मैं आज बात कर रहा हूँ 100 वोल्ट LT ट्रांसफार्मर से लाइन और आक्स कन्वर्टर का जो डिवाइस होता है उसके बारे में। तो फिर दोस्तों, ये बनाने के लिए आपके पास अगर कोई 40 या फिर 50 वाट का लाइन ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, जैसे कि ये आप ले लीजिए, ये मेरा हैंडमेड है, ये इसका 100 वोल्ट का इनपुट लाइन है और ये जो लाइन आप देख सकते हैं ये होते हैं ड्राइवर यूनिट को लगाने के लिए। तो फिर ऐसा एक ट्रांसफार्मर का आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा ऐसा एक छोटा कैपेसिटर जिसका वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। इसका वैल्यू होगा दोस्तों 2.2 माइक्रोफेराड, 63 वोल्ट, ये आप देख ही सकते हैं। और आपको जरूरत पड़ेगा एक नॉन पोलराइज्ड पीएफ कैपेसिटर जो है 101। इसके साथ आपको लगेगा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल स्विच जो होगा आपका 10K का, B10K आप यहां पे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको अपना एम्पलीफायर में आउटपुट देने के लिए दो ऐसे जैक सॉकेट का जरूरत पड़ेगा। फिर लगेगा आपको कुछ इस तरीके का वायरिंग के लिए तार, और आप इससे बना पाओगे आपके लिए एक 100 वोल्ट टू लाइन और ऑक्स कन्वर्टर। तो फिर चलिए आप लोगों के सामने ही मैं बना लेता हूं इसको। तो भाई ये है आप लोगों के लिए सर्किट डायग्राम, चाहो तो ये स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। मैं ये सर्किट डायग्राम थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं अभी। ये है मेरा ट्रांसफार्मर, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ ट्रांसफार्मर, जहाँ से ये 100 वोल्ट इनपुट होता है कॉमन 16 ओम्स में आउटपुट देता है। यहाँ पे एक फिक्स्ड कैपेसिटर लगेगा नॉन पोलराइट जो है 101। ऐसे ही एक 101 का कैपेसिटर आपको पीएफ कैपेसिटर लगेगा, और फिर लगेगा आपको एक पोलराइज्ड कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफेराड का और 63 वोल्ट का जो रहेगा कुछ इस तरीके का। और फिर आपको लगेगा यहाँ पे जो आउटपुट होके आएगा वहाँ पे आएगा आपका एक वॉल्यूम का स्विच या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। और यहाँ से जो आउटपुट निकल रहे हैं भाई उसको पैरेलल में आप कनेक्ट करके आपका दोनों एम्प में आउटपुट दे सकते हो। उसके लिए आपको लगेगा कुछ इस तरीके का ऑक्स सॉकेट। आशा करते हैं आपका सर्किट डायग्राम पूरी तरीके से समझ में आ गया। और इतना सारा कंपोनेंट का प्राइस कैसा आने वाला है आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये तो आपके पास हालांकि अवेलेबल होगा, आपको अलग करके खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा। ये जो 101 वाला कैपेसिटर है ये आपको 5 रुपये के अंदर मार्केट में आसानी से मिल जाता है भाई। और ये जो आपको 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर देख सकते हैं, ये आपको करीबन
तकरीबन 7 से 8 रुपए के अंदर मार्केट में मिल जाएगा। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि वॉल्यूम स्विच कंट्रोल है, ये मैं बोलूँगा थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का यूज़ करो, तो फिर ये आपको 30 से 35 रुपए के अंदर पड़ेगा। और ये जो सॉकेट आप देख सकते हो भाई, ये आपको करीबन 20-20 रुपए के एक एक पड़ जाएगा। और इन सभी को एक साथ इंस्टॉल करने के लिए ऐसा एक बॉक्स आप खरीद सकते हो चाहो तो। तो फिर जैसा मैंने बताया था, ये है मेरा 100 वोल्ट इनपुट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला है कॉमन का, और उसके बाद है पॉजिटिव का जो 16 ओम्स में आउटपुट होता है। तो फिर यहाँ मैं कनेक्ट कर दूंगा एक फिक्स्ड कैपेसिटर जो मैं शो कर दिया आप लोगों को। चलो इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं अभी। देखिए यहाँ पे जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये इनका नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, और ये है पॉजिटिव जिस पे कोई साइन दिया हुआ नहीं रहता। तो फिर इसका जो पॉजिटिव है वो मैं यहाँ पे पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये हो गया ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। मैं अभी ट्रांसफार्मर को कैबिनेट के साथ सेट कर लेता हूँ, उसके बाद सेट कर लेंगे हर एक कंपोनेंट को, फिर जो बाकी का वायरिंग रहा वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आउटपुट का कनेक्शंस कर रहा हूँ अभी। ये है बॉडी, इस पे नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे करके और एक मैं पैरालल में कनेक्ट कर देता हूँ सॉकेट। तो ये निकल आया हम लोगों का आउटपुट का जो तार है वो दोनों, और ये है ट्रांसफार्मर से जो लाइन आउटपुट होके आ रहे हैं वो। इसको अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो तो फिर क्या होगा, आपका जो गेन आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल रेजिस्टर जो B10 के है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप अपना मनचाहे गेन इसके पास से आउटपुट ले सको। देखिए जो आपका कैपेसिटर के पास से निकल के आ रहा है, यानी कि आपका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा आपका VC का जो पहला वाला पॉइंट है वहां पे। तो ये हो गया भाई सोल्डरिंग। अब यहां से आपका क्या होगा, जो आउटपुट का पॉजिटिव पॉइंट है वो रहेगा भाई वेरिएबल रेजिस्टर का बीच में। तो भाई यहाँ पे हो गया फिर से सोल्डरिंग। अब जो आपका दोनों ब्लैक वायर बच गया ना, यानी कि जो कमन का कनेक्शन है वो आप एक साथ करके जो आपका बचा हुआ एक पॉइंट है वहां पे सोल्डरिंग कर दो। तो ये हो गया आपका कनेक्शन डन। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ आहूजा के तरफ से 2 ACS 250 वाट का एम्प, जिसके साथ मैं 2 ड्राइवर यूनिट बजा के यहाँ पे टेस्ट करूंगा। आपकी जैसे जानते ही हैं दोनों ड्राइवर यूनिट 16 ओम 16 ओम पैरेलल में 8 ओम हो रहा है, तो फिर मैं 8 ओम में ही ये एक 250 वाट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो भाई ये है मेरा मेन एम्प जिससे कि मैं ये 100 वोल्ट का वायर कनेक्ट किया हूँ, और इसका मैं ऑक्स 2 पे इनपुट दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने दिया इनपुट, और इसको मैं कनेक्ट करूँगा सिंपल मेरे मोबाइल के साथ जिससे मैं MP3 प्ले करूँगा। पर आप देख सकते हैं मेरा जो लोड है वो लगाया हुआ है इस एम्पली में, तो इसमें मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, इसका दे रहा हूँ ऑक्स 2 में, जिसका मेरा ये बूस्ट पॉइंट जा रहा है मेरा ये एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऑक्स पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्शंस। अब होगी इनका साउंड टेस्ट, देख लेते हैं इनका साउंड कैसे होते हैं। तो भाई ये है मेरा मेन एम्प जिसके साथ हमने कनेक्ट किए हैं हमारा ऑक्स लाइन इनपुट। तो फिर देखिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका लाइट शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कोई भी हरकत नहीं है, पर इसका जो बूस्ट है ये मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ, और आउटपुट तो आपने देखे ही हैं कहाँ कनेक्टेड है।
अगर मैं यहां से बढ़ाता हूं। तो फिर जैसे कि आप लोगों को बोला था, हमने आपको सर्किट डायग्राम भी दिया जाएगा। देख लिया आपने सर्किट डायग्राम, आशा करते हैं आप खुद ही घर पे बना सकोगे। अब तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो यार। और भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।